3.3 के पहले क्वेश्चन में बोला है, क्या बोला है? इफ ए बी, आपको ए और बी दिया हुआ है, वेरीफाई करो, जीरो प्लस ए जीरो वेक्टर है, जीरो वेक्टर प्लस ए, ए वेक्टर प्लस जीरो, ये ए के बराबर है, कोई इसमें खास चीज नहीं है। ए वेक्टर आपको सवाल में गिवन है, आपने इसको जीरो वेक्टर में ऐड करना। जीरो वेक्टर क्या होता है? जीरो आई प्लस जीरो जे प्लस जीरो के। तो अगर आप ए वेक्टर को जीरो वेक्टर में ऐड करोगे तो ए को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहली वाली प्रॉपर्टी बिल्कुल ठीक है, ऑर्डर मैटर नहीं करता। आप जीरो वेक्टर के अंदर ए को ऐड करो या आप ए वेक्टर को जीरो के अंदर ऐड करो, रिजल्ट में आपको ए वेक्टर ही मिलेगा, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट होंगे जीरो आई प्लस जीरो जे प्लस जीरो के। आप उसको बेशक ए के अंदर ऐड कर भी दो तो क्या फर्क पड़ेगा, ए अपनी जगह पे ही रहेगा। तो ये प्रूफ करना कोई बड़ी बात नहीं है। पार्ट नंबर टू में बोला हुआ है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए बी एंड टू ए प्लस थ्री बी। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? सिंपल, आपने माइनस से मल्टीप्लाई करना होता है। तो अगर ए का आपने एडिटिव इनवर्स निकालना है तो ए को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ये कौन सा बड़ा काम है। बी का निकालना है, बी को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। फिर लिखा हुआ है टू ए प्लस थ्री बी का निकालना है आपने, तो टू ए प्लस थ्री बी है ना, इसका अगर आपने एडिटिव इनवर्स निकालना है तो आप क्या करोगे, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। अब टू ए प्लस थ्री बी जो भी वेक्टर है, इसका एडिटिव इनवर्स कैसे निकालोगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो एडिटिव इनवर्स आ जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करो। तो सिंपल लैंग्वेज में आपको ये चीज निकालनी है। अब ये निकालना मुश्किल बात नहीं है, हमने 3.1 में भी देखा था, आप वेक्टर ए पुट करना, उसको माइनस टू से मल्टीप्लाई करना, आप वेक्टर बी पुट करना, उसको माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करना, आपस में ऐड करना, वही आई को एक साथ लिखना, जे को एक साथ लिखना, के को एक साथ लिखना। तो कोई चीज नहीं है, मैं क्लास में करवाऊ, बहुत बच्चों वाला सवाल है। पार्ट नंबर थ्री में बोला हुआ है वेरीफाई कम्यूटेटिव लॉ फॉर वेक्टर एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? कि वेक्टर ए को आप बी में ऐड करो या बी को ए में ऐड करो, ये बराबर होता है। तो वेरीफाई करने का मतलब ये दोनों आपस में बराबर आने चाहिए, तो आप पुट करके देख लेना बराबर ही आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर टू पे आओ। क्वेश्चन नंबर टू में लिखा हुआ है कि लेट यू वी डब्ल्यू, आपको तीन वेक्टर दे दिए हैं, बोला हुआ है वेरीफाई एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये भी मैंने आप लोगों को बताया था, एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, कि आप पहले बी और सी को ऐड करो, जो रिजल्ट आए उसको ए में ऐड करो, ये बराबर होगा कि पहले आप ए और बी को आपस में ऐड कर लो और जो रिजल्ट आए उसको सी में ऐड करो। बस ब्रैकेट्स का फर्क है, यहाँ पे ब्रैकेट बी और सी में थी, यहाँ पे ब्रैकेट ए और बी। तो अगर आपको पेपर में रिफर सवाल आ गया, प्रूफ करना है आपने, तो लिख देना कि भाई ये एसोसिएटिव लॉ है वेक्टर एडिशन का। आप यहां से पिक करना लेफ्ट हैंड साइड, ये भाई लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। तो कैसे पुट करोगे, ए बी सी इन सबके वेक्टर्स की वैल्यूज पुट करना। सबसे पहले बी और सी को ऐड करना आपस में, ऐड करने के बाद वही आई जे के की फॉर्म में जो भी आपके पास वेक्टर आ रहा होगा, फिर उसको ऐड करना ए के अंदर, करते जाना करते जाना, जैसे ही ऐड हो जाए लेफ्ट हैंड साइड इसको वन बोल देना। फिर आप राइट हैंड साइड पिक करना, सबसे पहले ए और बी को ऐड करना, फिर जो रिजल्ट आया उसको सी के अंदर ऐड करना और उसको इक्वेशन नंबर टू बोल देना। आप खुद देखोगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मतलब वन और टू इक्वेशन जो है वो आपस में इक्वल होगी। इक्वेशन तो नहीं खैर इसको बोलेंगे, लेकिन ये बोल देना एक्सप्रेशन वन और एक्सप्रेशन टू जो है, अगर आप ऑब्जर्व करो लेफ्ट और राइट बराबर होंगे आपस में, तो प्रूव हो जाएगा। किसी सवाल में पूछो तो पूछ लेना, मतलब बहुत बेसिक सवाल है। थ्री में बोला गया कि ए वेक्टर आपको दे दिया है, एम एक कोई वैल्यू है, फाइव स्केलर जिसको बोलते हैं हम, लिखा है वेरीफाई करो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन का कम्यूटेटिव लॉ क्या है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है जो स्केलर है ना वो नंबर के लिए यूज होता है। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन का कम्यूटेटिव लॉ क्या है, कि अगर आप किसी वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो, मैटर नहीं करता आप उस एम को ए से मल्टीप्लाई करो या ए को एम से मल्टीप्लाई करो, एक ही बात है। ये सब आपको मिल जाएंगे अगर आप ऑब्जर्व करो, एक पेज पीछे आओ ना, पेज नंबर 97 के ऊपर, तो एग्जैक्ट आपको कम्यूटेटिव लॉ भी मिल जाएगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का इन्होंने पूरा वो करके भी दिखाया है यहाँ पे, फिर एसोसिएटिव लॉ भी है जो अगला सवाल होगा, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी है, तो सब आपको पेज नंबर 97 पर मिल जाएगा। अब इसको प्रूफ करने का तरीका वो खास नहीं है, कोई नई चीज नहीं है। आप लेफ्ट हैंड साइड को पिक करना, एम क्या है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थ्री में, फाइव है, और ए जो है वो यहाँ पे क्या है, थ्री आई प्लस टू जे प्लस फाइव के, ये मौजूद है। तो आप क्या करना, फाइव थ्री जा 15 आई, फाइव टू जा 10 जे प्लस फाइव को फाइव से करो 25 के, इस तरह कर लेना। आप चाहो तो दो तरीके, ये लेफ्ट हैंड साइड है इसको इतना छोड़ दो, राइट हैंड साइड को पिक करो, राइट हैंड साइड में क्या है, ये फाइव उधर चला जाएगा
बात तो एक ही है, 3i को 5 से करोगे, 2j को 5 से करोगे, एग्जैक्ट यही चीज आ रही होगी। तो राइट हैंड साइड को अलग लेके सॉल्व कर लो, या फिर एक और काम कर सकते हो आप यहाँ पे, क्या कि लेफ्ट हैंड साइड को आपने इतना सॉल्व कर लिया ना, फिर आप एक काम करो, इसमें से आप 5 कॉमन ले लो, ये लिखने के बाद ना 5 कॉमन ले लो इस तरीके से, कि जब 5 कॉमन लोगे बचेगा 3i, ये बचेगा 2j, ये बचेगा 5k, और जो 5 कॉमन लिया उसको यहाँ पे लिख दो, कोई खास चीज नहीं है, लेकिन अब इस तरह कर दो। ये करने पे अगर आप देखो तो कंडीशन क्या आ रही है, ये पूरी चीज ए है, ये पूरी चीज एम है, जो कि बराबर है आपके राइट हैंड साइड। इससे बस ये प्रूव हो रहा है कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो मैटर नहीं करता, आप 5 को इधर लिखो या 5 को इधर लिखो, फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। तो ये इस तरह भी आप प्रूव कर सकते हो, या अलग अलग पिक करके सॉल्व कर लो तब भी आप प्रूव कर सकते हो। ये बहुत बेसिक सी बात है, अगर एमसीक्यूज में आती है ना तो बस प्रॉपर्टी पूछी जाती है, आपको मेरे पूछ लेंगे ये किस प्रॉपर्टी का नाम है, मतलब इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, तो आप बोलोगे यार ये कम्यूटेटिव लॉ है स्केलर मल्टीप्लिकेशन का, ये कम्यूटेटिव लॉ है एडिशन का, अच्छा इसी तरीके से ये एसोसिएटिव लॉ है एडिशन का, ये तो आइडेंटिटी लॉ होता है। आइडेंटिटी मैंने आप लोगों को बताया हुआ चैप्टर नंबर 1 में भी कॉन्सेप्ट था, कि आइडेंटिटी को जब आप किसी में ऐड करते हो तो फर्क नहीं पड़ता उसको, तो जीरो कैरेक्टर जो है वो बेसिकली आइडेंटिटी है, आप उसको ए के अंदर ऐड करो, ए को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो इनके नाम पूछे जा सकते हैं आपसे, प्रूफ करना बड़ा ईजी है, इतना पूछा नहीं जाएगा सवाल में, लेकिन देख लो चलो अगर बिल्फर्ज आ गए तो पता तो होना चाहिए क्या करना है। 4 में आपको बोला है ए वेक्टर दिया है और एम और एन दो वैल्यूज आपको दी हुई है, और बोला है वेरीफाई करो एसोसिएटिव लॉ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये था एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का एसोसिएटिव लॉ क्या है, वो ये है एम इस तरह था, हाँ ये है ना, एक सेकेंड, हाँ अब इनमें फर्क क्या है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है ना उसमें m की वैल्यू क्या है, m आपका 2 है और n जो है वो 5 है, और वेक्टर a उन्होंने क्या दिया हुआ है 5i प्लस 2j माइनस 3 के। तो लेफ्ट हैंड साइड को पिक करना, लेफ्ट हैंड साइड का मतलब क्या, लेफ्ट हैंड साइड का मतलब ये कि पहले आप n को मल्टीप्लाई करो a से, जो रिजल्ट आए उसको m से मल्टीप्लाई करो, मतलब m यहाँ पे है 2, इसको मैं साइड पे रख रहा हूं, सबसे पहले आप n को मल्टीप्लाई करो a से, n यहाँ पे 5 है तो 5 को मल्टीप्लाई कर दो आप ए से, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो 5 को, 5 को 5 से करो 25i, 5 प्लस से करो 10j माइनस 15k। जब आपने n को मल्टीप्लाई कर दिया ए से, अब आप m को मल्टीप्लाई करो, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये 50i प्लस 20j माइनस 30k, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। अच्छा राइट हैंड साइड में क्या करना है, राइट हैंड साइड में पहले आप m और n को मल्टीप्लाई करोगे, मतलब आप यहाँ पे सबसे पहले 2 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे, आप इस तरह लिखना, राइट हैंड साइड क्या होगी, आप सबसे पहले 2 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, जो रिजल्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई करोगे a से, तो 2 5 से 10, 10 को आपने मल्टीप्लाई करना होगा इससे, सॉल्व करना राइट हैंड साइड आ रही होगी तो प्रूव हो जाएगा। और आखिरी जो 5 में जो दो चीजें आपको बोली भी है ना, पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 में, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होते हैं स्केलर मल्टीप्लीकेशन के, उन्होंने नाम नहीं दिया हुआ लेकिन जो दिए है ना आपको, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाते हैं, तो ये पता होना चाहिए, एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। वही आपको ए बी दिया हुआ है और आपको एम एन दिया हुआ है और आपको बोला हुआ है नीचे प्रूफ करो। तो पार्ट 1 में आपको प्रूफ क्या करना है कि सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, अगर आप देखो लेफ्ट हैंड साइड ये लिखी हुई है, उसका क्या मतलब है कि पहले ए और बी को आपस में ऐड करना, जो वेक्टर आए उसको एम से मल्टीप्लाई कर देना, और राइट हैंड साइड क्या है इसकी, ये बराबर है इसके, इसका मतलब क्या है कि राइट हैंड साइड में पहले सबसे पहले आप m को मल्टीप्लाई करोगे a से, फिर आप m को मल्टीप्लाई करोगे b से, फिर इन दोनों को आपस में ऐड करोगे, तो देखना वो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ रहा होगा, इस तरह प्रूफ करोगे। सेम चीज पार्ट नंबर 2 में भी आप देख लो, पार्ट नंबर 2 में लिखा हुआ है m प्लस n मल्टीप्लाई a, मतलब सबसे पहले m और n को आपस में ऐड करोगे, जो रिजल्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई करोगे a से, और राइट हैंड साइड में क्या करना है, अगेन वही m को मल्टीप्लाई करना है a से पहले, इसी तरह n को मल्टीप्लाई करना है a से पहले, और अब फिर आपस में ऐड कर देना है, तो देखना लेफ्ट और राइट बराबर आ रहे। तभी मैंने कहा था ये एक्सरसाइज बनती नहीं है, इसके क्वेश्चन हैं जो आप किसी और एक्सरसाइज में डाल सकते थे, 3.4 के साथ ही डाल देते, लेकिन उन्होंने इसको अलग एक्सरसाइज बनाया हुआ, तो दिखने में लगी 3.3 बहुत अच्छे हुआ, तो पूरी मैंने समझा दी है, सिर्फ आप लोगों को होमवर्क नहीं दिया, समझा भी दिया पूरा।